किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजन कर रहा है आप? एक जो
जो हम दिहाड़ा मना रहे हाँ गुरु नानक साहब जी का ये मना रहे हैं, गुरु साहब कलयुग दे विच वड्डे रहिबर होए हैं, पैगंबर होए हैं, सारे मजहबों के नाल प्यार रखिया, उन्होंने एकता रखी है। सो उन्हां दा असीं बिहार दे विच स्टेज बिहार झारखंड दे विच दिवस मना रहे हाँ। सो कुछ दिनों तो प्रभात फेरियां निकल रही हैं, नगर कीर्तन निकल रहा है सात संगत जी। सो जो इन्हों का जो प्रकाश दिहाड़ा है वो 21 तरीक न है। सो 20 तरीक न जिहड़ी बाजार विखे नगर कीर्तन होएगा, सब संगतां नूं बेनती है, सब जो भी मजहबां दे लोग हन सब आण के ते दर्शन करन, संगतां दे विच सब शामिल होण। खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौं वर्णा को सांझा, गुरु नानक साहब ने चौं वर्णा नूं उपदेश सांझा दिता है। सो सब संगतां नूं बेनती है, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 विक्रमी संवत 2067 में ननकाना साहब आज के पाकिस्तान में हुआ। जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की और 10 स्वरूप में सिख धर्म को आगे बढ़ाया। अंत में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरुगद्दी गुरु गोविंद सिंह ने बख्शी। उन्हें गुरु नानक जी का गुरुपर्व 21 तारीख को पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ विश्व के हर कोने में मनाया जाएगा। इस इलाके में जवाहर नगर गुरुद्वारा साहब में सारी संगत के साथ गुरु नानक जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। संगत के पास बेनती है कि वहाँ पहुँचने की कृपा करें एवं दर्शन दे, गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त करें। तीन दिनों तक आप लोगों ने प्रभात फेरी निकाली, इसके बाद इस अवसर पर संडे बाजार गुरुद्वारा सिंह सभा की ओर से 5 दिन तक प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जिसका आज तीसरा दिन था। 2 दिन और प्रभात फेरी निकाली जाएगी और संडे बाजार के हर सिख के घर में जाके और हर क्षेत्र में हर मोहल्ले में घूम रही है, जो सिख धर्म का प्रचार तथा आपस में भाईचारे को बढ़ावा देती है तथा सुबह उठ के भगवान का नाम लेना चाहिए, इसका मुख्य संदेश है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।